जानकारी दी जाएगी। मल्टीमीटर, ये एनालॉग मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग मल्टीमीटर की पहचान ये होती है कि एनालॉग में ये नीडिल होती है, यानी जिस मल्टीमीटर में सुई बनी हो और उसके द्वारा हम चेक करते हैं वो एनालॉग मल्टीमीटर होता है। इसमें नीडिल है, जब यहाँ से हम चेक करेंगे तो इसमें मान दर्शाएगा जिसके हम देख करके मालूम कर सकते हैं कि कंपोनेंट सही है या ख़राब है। मल्टीमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब ये मल्टीमीटर आप खरीदेंगे तो इसके साथ दो प्रॉब मिलता है, ये इसे बोलते हैं प्रॉब। ये ब्लैक प्रॉब है और एक रेड प्रॉब है। इन प्रॉबों को हम कहाँ पर लगाएंगे? जैसे यहाँ पर मल्टीमीटर में माइनस ओम का सिंबल बना हुआ है, इसमें हमेशा ब्लैक प्रॉब को खोजते हैं। कोई भी चीज़ चेक करना हो माइनस ओम में ब्लैक प्रॉब को खोजते हैं, बाकी आपको क्या चेक करना है उसके अनुसार ये रेड प्रॉब को खोजते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया है 10K और 1 मेगा, लिखा है 10K 1 मेगा, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी रेंज। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी रेंज, यानी इसमें रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। रजिस्टेंस, कंडेंसर या डायोड, ट्रांजिस्टर, किसी भी प्रकार के कंपोनेंट को चेक करना है तो या तो आप 1 मेगा में भी रख सकते हैं या 10K में भी रख सकते हैं, ठीक है। 10K 1 मेगा में रख करके आप किसी भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 10K 1 मेगा क्यों दिया है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक में रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो 10 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस 10K में चेक कर सकते हैं, और 1 मेगा, 10 किलो ओम से ज़्यादा का अगर मान का रेजिस्टेंस है तो 1 मेगा में चेक करेंगे, ठीक है। इससे रेजिस्टेंस जब चेक करते हैं तो जब ये सुई जो होती है इसमें यदि एक कंटिन्यूटी रेंज में अगर खोसेंगे इसको और इन दोनों प्रॉब को सटाएंगे आपस में तो देखिए सुई जो है आगे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको टच करेंगे तो सुई बढ़ेगी, यानी इससे हमको मालूम चल जाएगा कि ये मल्टीमीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे कंटिन्यूटी रेंज में सुई बतानी चाहिए, इससे हम कोई भी तार चेक कर सकते हैं या कोई भी कंपोनेंट इस रेंज में हम चेक करने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूटी रेंज है, इसे बोलते हैं एडजस्टर। यहाँ पर एक एडजस्टर दिया हुआ है, जैसे आपकी सुई अगर ज़्यादा 0 से नीचे चली जाती है तो इसके एडजस्ट कर सकते हैं, इससे इसको घुमा करके सुई 0 पर सेट कर सकते हैं। बाकी ये साकेट दिया है अलग अलग चीज़ को चेक करने के लिए, तो इस साकेट का प्रयोग हम करते हैं रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड आदि को चेक करने के लिए या रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। कोई भी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे तो वो रेजिस्टेंस खराब है या सही केवल इसे हम पता कर सकते हैं, एक्यूरेट मान इसमें नहीं बताता है। अगर रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो जैसे इसमें सुई जा रही है, देखिए इसमें आपका थोड़ा सा सुई जा रही है, इसमें आपकी ज़्यादा सुई जा रही है, ऐसे चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस सुई जाएगी। अगर सुई जा रही है तो रेजिस्टेंस सही है, नहीं जा रही है तो रेजिस्टेंस खराब है। जिस रेजिस्टेंस में अगर सुई कम जाती है उस रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा और जिस रेजिस्टेंस में सुई ज़्यादा जाएगी उसका मान कम होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा तो सुई ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा होगा तो सुई कम जाएगी। इससे हम पहचान लेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है कि ज़्यादा है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी रेंज। अब इसके बगल में जो दिया है लिखा है DC एम्मे, DC एम्मे का मतलब DC करेंट मिली एम्पियर। ये बैटरी का करंट चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे किसी भी बैटरी की ताकत चेक करनी है कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है कि नहीं है, करंट चेक करना है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है मिली एम्पियर में, ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है डीसी मिली एम्पियर की, ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर या तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए या तो आप डीसी वोल्ट चेक करने के लिए। डीसी अगर वोल्ट चेक करना है आपको तो डीसी वोल्ट के लिए यहाँ लिखा हुआ है DCV। डीसी वोल्ट में आप 10 वोल्ट का खाना दिया हुआ है, यहाँ 10 वोल्ट लिखा है तो 10 वोल्ट में अगर मोबाइल का कोई भी कंपोनेंट पार्ट चेक करना है या वोल्टेज चेक करना है तो हम 10 वोल्ट में रख के चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल में जो भी सप्लाई होती है वो 3.6 वोल्ट की होती है या 3.7 की होती है, 4 वोल्ट के अंदर होती है। तो आपको 10 वोल्ट चेक करना है तो 10 वोल्ट के रेंज में चेक करेंगे। यदि 10 वोल्ट से ऊपर सप्लाई कहीं चेक करना है तो आप 50 वोल्ट के रेंज में चेक करेंगे। 50 से ऊपर चेक करना है तो 250 में चेक करेंगे, और 250 से भी ऊपर चेक करना है तो आप 1000 वोल्ट के रेंज में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर AC है, AC वोल्ट इसमें चेक करते हैं और DC वोल्ट इसमें चेक करते हैं।
बशर्ते यह ध्यान होना चाहिए कि जब हम बोल्ट चेक कर रहे हैं तो हमेशा अधिक रेंज में रखेंगे, यानी अधिक रेंज में रखकर कम बोल्ट को हम चेक कर सकते हैं। ज़्यादा बोल्ट को कम रेंज में रख के चेक करेंगे तो मीटर खराब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर संकेत दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आप 10 वोल्ट के रेंज में चेक कर रहे हैं तो कैसे हम मीटर की सुई को पढ़ेंगे, यहाँ पर संकेत दिया हुआ है। ये संकेत दिया हुआ था, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यानी जब हमारी सुई इसके बीच में जाएगी तो 1 वोल्ट होगा और यहाँ जाएगी तो 2 वोल्ट, इसके बीच में जाएगी तो 3 वोल्ट पढ़ेंगे। 3 लिखा नहीं है लेकिन इसको 3 पढ़ेंगे, इधर क्या बोलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वोल्ट यहाँ तक जाएगी, यानी 10 वोल्ट के रेंज में 10 वोल्ट तक का रेंज यहाँ लिखा हुआ है। 10 पर पहुँचेगी तो हम समझेंगे 10 वोल्ट है। अब इसका वोल्ट डिवाइड कैसे होता है, 10 वोल्ट के रेंज में एक छोटे खाने का मान 0.2 वोल्ट होता है, जैसे एक खाने से और एक 4 छोटे खाने हैं इसमें और एक बड़े खाने, तो 4 जो छोटा खाना है एक का मान 0.2 वोल्ट होता है। पाँचवें खाने पर जब पहुँचेगा तो 1 वोल्ट पढ़ेंगे, छठवें पर जाएगा तो 1.2 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है कि जब दसवें पर जाएगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा और ऐसे ही हम पढ़ लेंगे वोल्टेज को 10 वोल्ट के रेंज में। अगर आप वोल्टेज यहाँ बढ़ा देते हैं, 50 वोल्ट के रेंज में चेक करते हैं तो एक खाने की वैल्यू बढ़ जाएगी, 50 वोल्ट के रेंज में एक खाने का वैल्यू 1 वोल्ट का हो जाएगा। तो यहाँ से 4 पाँचवें खाने पर पहुँचेगा तो 5 वोल्ट पढ़ेंगे, इस पर 10 वोल्ट पढ़ेंगे। देखिए अभी देखिए लिखा भी है इस पर 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है, तो बीच में जाएगा जब यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट पढ़ेंगे, यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 वोल्ट पढ़ सकते हैं। यानी कि 10 वोल्ट के रेंज में 0.2 वोल्ट एक खाने का होता है और 50 वोल्ट के रेंज में 1 वोल्ट एक खाने का होता है। इसी तरह से अगर 250 वोल्ट के रेंज में हम रखेंगे तो इस खाने की वैल्यू 5 वोल्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट का एक खाना हो जाएगा। 250 के वोल्ट में रखेंगे तो 5 वोल्ट का एक खाना हो जाएगा, तो जहाँ पर हम 5 वोल्ट पढ़ रहे थे 50 के रेंज में, वहाँ पर 25 वोल्ट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 50, यहाँ लिखा भी है देखिए, 50 100 लिखा है तो 100 के बीच में आएगा तो 75 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 125, 150, 175, 200, 225 और 250 का रेंज दिया है। इसमें मैक्सिमम रेंज 250 तक का दिया होता है क्योंकि ज़्यादातर आप 250 तक बोल्ट चेक करते हैं, और इससे ज़्यादा अगर चेक करना है तो यहाँ 1000 और 500 की भी रेंज दिया है। अगर AC और DC दोनों चेक करने का तरीका एक ही है, अगर DC में 500 नहीं दिया है, 250 के बाद दिया है 1000, इसमें 500 दिया है, अगर 500 के बोल्ट में रखेंगे तो एक खाने की वैल्यू 10 वोल्ट का हो जाएगा, यानी जहाँ 5 वोल्ट होता था 50 वोल्ट में, वहाँ पर जब जाएगी तो 10 × 50 यानी 50 वोल्ट हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 150, यहाँ 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 ऐसे पढ़ेंगे। और यदि 1000 के वोल्ट में आप रखते हैं तो एक खाने की वैल्यू 20 वोल्ट का हो जाता है, 20 वोल्ट का एक खाना हो जाता है, यानी पाँचवें खाने पर हो जाएगा 100 वोल्ट, दसवें खाने पर हो जाएगा 200, 200, 300, 400, 500 ऐसे 600, 700, 800, 900, 1000 ऐसे पढ़ेंगे। एक खाने का मान जो होता है 20 वोल्ट का एक खाना होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका लिखा हुआ है 50 वोल्ट, वहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका 200 वोल्ट हो जाएगा, इसके बीच में 100 वोल्ट होगा, 20 × 5 = 100, यानी पाँचवें खाने पर 100 वोल्ट होगा, दसवें पर होगा 200, उसके बाद होगा 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, इस तरह से आप पढ़ते हैं वैल्यू।